हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती सभी फ्रेंड्स मेरा बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो ब्लॉग तो मेरा मॉर्निंग से चालू हो गया था 9:30 बजे से, और पर मैंने वेलकम तो किया नहीं, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता मुझे कि, तो मैंने कहा चलो सारा काम कर लेते हैं, उसके बाद फ्रेश होके फिर वेलकम करूँगी। तो सभी को मेरे चैनल में स्वागत है, मैं हूँ झुमा। झुमा के दिन सबको स्वागत है, और सभी बड़ों का प्रणाम, छोटों का ढेर सारा प्यार, और जो लोग मुझे सब्सक्राइब कर रखे उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग नहीं किया प्लीज़ कर लेना। तो चलिए, अभी तो सारा काम कर लिया है मैंने, अभी बज रहे हैं 2:30। तो 2:30 बजे हुआ है काम, अभी पेट पूजा नहीं हुआ, तो अभी करूँगी पेट पूजा। तो अभी दिखाती हूँ क्या बनाया, सिंपल कुछ नहीं बनाए, तो क्योंकि कल लक्ष्मी पूजा है, तो आज मैंने सारा सफाई कर दिया, तो नॉन वेज में कुछ रखा नहीं, सिंपल सी खाना बनाया मैंने, दाल चावल वही खाऊंगी। तो चलिए दिखाते हैं, उसके बाद रेस्ट करूंगी, उसके बाद मिलूंगी। Thank you.
तो मैंने बेड वेड ना खिसका के पंखा साफ किया था। फिर दीवार उवाल थोड़ा सा ना मैं झाड़ देती हूँ, क्योंकि इस तरह से अगर झाड़ दो ना डेली, अगर सुबह एक दिन छोड़ के भी निकाल दो फिर दीवार गंदा भी नहीं होता और जाली तो पड़ेगा ही नहीं। तो मैं इस तरह से कर देती हूँ। अभी मैंने बेड भी है बहुत भारी था, खिसकाए बहुत मुश्किल से। अब मैं डाइनिंग टेबल को थोड़ा सा साफ कर देती हूँ, क्योंकि डस्टिंग कितना भी करो ना रोज़, फिर भी ना किसी दिन अगर सामान खिसकाओ तो लग ही जाता है। तो वही निकाल रही हूँ, लगा रही हूँ। तो बस ऐसे ही करके आज पूरी साफ सफाई मेरा अभियान चल रहा है, क्योंकि और साफ़ सफाई तो ऐसे रोज आप कितना भी करोगे ना, पर एक दिन जब सामान निकाल के करोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। ये मेरे साथ नहीं, सबके साथ ही होता होगा। किस किस के साथ होता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं तो टीवी भी देख रही हूँ और काम भी कर रही हूँ, क्योंकि मुझसे बिना मतलब कुछ अकेला अकेला अच्छा नहीं लगता। तो बस ये सब कर रही हूँ अभी। कपड़े अपड़े सब पड़े हैं, ये सब भी करना है। तो चलिए फटाफट करते हैं। रोटी केला खाऊंगी और मैं और मेरा बेटी दोनों खा लूंगी और उसके बाद काम करूंगी। चारों तरफ से ना ठोका ठोकी की आवाज़ आएंगे, क्योंकि अभी दिवाली की टाइम आ रही है। तो दिवाली की टाइम सब अपने घर की साफ सफाई पेंट ये वो करेंगे, तो थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा सबको। कितना भी काटो फिर भी आएंगे ये आवाज़। तो चलिए पहले नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद बाकी काम करूँगी। तो मैंने बेडशीट चेंज कर दिया, ये सारा क्लीन कर दिए और साथ में ये अभी क्लीन बाकी है ऊपर से लेकर नीचे तक। और यहाँ पे मैंने बेड के नीचे से सारा साफ किया है आज, क्योंकि एक हफ्ता हो गया था। और यहाँ पे रखा है मैंने भगवान का बर्तन, आटा नींबू नमक ये सब रख दिया। तो ये सबको मिला के रख दूँगी। फिर रखा है मैंने कपड़े भिगा के। तो मैं अभी जीना धो दे रही हूँ और जीना है ना धो के फिर एकदम कमरा में आऊँगी। फिर बाहर जाना नहीं है मुझे, कमरा में आके झाड़ू पोछा मतलब पोछा ओछा लगाऊँगी, लगा के फिर सीधा बाथरूम साफ करके फिर नहा लूँगी।
तो मैं इसीलिए बाहर का ये रेलिंग वेलिंग धो दे रही हूँ आज, क्योंकि फिर मुझे कल ज़्यादा वो नहीं करना पड़ेगा। नॉर्मली मैं जैसे झाड़ू पोछा करूँगी ऐसे ही हो जाएगा, तो इसलिए आज ज़्यादातर करके सारा साफ कर दे रही हूँ। और ये जाली है, थोड़ा बहुत धूल हो जाता है, मैं बीच बीच में धो देती हूँ इसको, और ये फिर साफ़ रहता है। और धो के थोड़ा फिर पानी निकल जाएगा, उसके बाद थोड़ा बहुत जाली में पोछा लगा दूँगी। तो ये है दाल, सिंपल दाल घिया दाल के, और ये चावल, और मैंने किचन देखो क्लीन कर दिया है सारा सारा, मैंने ये सब भी धो दिया, सारा साफ कर दिया। तो यहाँ पे मैंने बर्तन धो के रख दिया सारा, जो भी मुझे चाहिए तो सारे बर्तन धो के रख दिए मैंने यहाँ पे। और कल इस सोफ़ा को कवर अभी लगा दिया मैंने, धो सारा धुला हुआ है, तो ये उठा के फिर कहीं शिफ्ट करना है, इतने में ही होगा। तो ये रखी हूँ, ये मैंने तय लगा के रख दिया, बाकी रख दिया मैंने। तो सो के उठ के सबके घर घूमने गई थी, घूम घाम के आके सब कुछ किया, मतलब खाना खा के पहले सबके घर घूमी, उसके बाद थोड़ी सी सोई। तो सारे कपड़े वपड़े तय लगा दिया मैंने, दिखा दिया। तो अब मैं जाऊँगी मार्केट, मार्केट कल के लिए थोड़ा सा करना है, छोटे जो भी चाहिए वो सब लेके आना है, तो वो सब लेके आऊँगी, तब उसके बाद मिलूँगी। ये तो मैं लेके आई फल फ्रूट जो भी लेना था, सब लेके आ गई मैं, ये सामान। तो ये सारा लगा दिया इस तरह से मैंने, और अब ये खाना बना रही हूँ, बना के जाऊँगी मौसी के घर। मौसी के घर में पूजा है, तो मौसी के घर से पूजा मिल के आती हूँ, तो जल्दी जल्दी बना के रख के जा रही हूँ। दाल और चावल है, थोड़ा सा भुजिया बना दूँगी, हो जाएगा, तो ये करके जाऊँगी। और आज ज़्यादा कुछ शेयर नहीं किया, क्योंकि सारा यही साफ सफाई यही सब शेयर किया, और मैंने किया भी आज यही, पूरा तो शेयर नहीं किया, थोड़ा थोड़ा शेयर करते करते भी बहुत बड़ा वीडियो हो गया। तो चलिए, आप लोग अच्छा रहना, खुश रहना, हंसते रहना, स्माइल देते रहना, फिर मिलूंगी नया ब्लॉग के साथ। गुड नाइट।